मैथ्स ओवर टूडे टॉपिक इज कंट्रोल स्ट्रक्चर और हमारा कोर्स है एडवांस पाइथन प्रोग्रामिंग। ओके स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे कि कंट्रोल स्ट्रक्चर क्या होता है। हम जो पाइथन के अंदर प्रोग्राम बनाते हैं या जो हम इंस्ट्रक्शंस देते हैं या जो स्टेटमेंट्स लिखते हैं, उनका फ्लो क्या होता है, वो किस तरीके से एग्जीक्यूट होती हैं, आज के दिन हम ये पढ़ेंगे, कंट्रोल स्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे और फर्दर इसको आगे देखेंगे। ओके स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम देखते हैं कंट्रोल स्ट्रक्चर क्या होता है। अ स्टेटमेंट यूज टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन इन अ प्रोग्राम इज कॉल्ड कंट्रोल स्ट्रक्चर। ओके स्टूडेंट्स, जो हमारे पास प्रोग्राम होता है उसकी एग्जीक्यूशन का फ्लो क्या होता है, वो किस तरीके से एग्जीक्यूट होगा, उसका स्ट्रक्चर क्या होगा एग्जीक्यूशन का, उसको हम कंट्रोल स्ट्रक्चर कहते हैं। स्टूडेंट्स, इसके चार टाइप्स हैं जिसको हम डिस्कस करेंगे। इसमें से सबसे पहली टाइप है सीक्वेंस, फिर है सिलेक्शन, फिर है रिपीटिशन और फिर है फंक्शन कॉल। स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम देखते हैं सीक्वेंस क्या होता है या सीक्वेंशियल स्ट्रक्चर क्या होता है। स्टूडेंट्स, अभी तक हमने क्लास में जितने भी प्रोग्राम बनाए हैं वो सारे एक सीक्वेंस के साथ एग्जीक्यूट होते थे, एक ऑर्डर के साथ एग्जीक्यूट होते थे। जो स्टेटमेंट पहले होती थी वो पहले एग्जीक्यूट होती थी, जो उसके बाद होती थी वो उसके बाद एग्जीक्यूट होती थी। अब हम देखते हैं इसकी डेफिनेशन क्या है। इन सीक्वेंशियल स्ट्रक्चर द स्टेटमेंट्स आर एग्जीक्यूटेड इन द सेम ऑर्डर इन विच दे आर स्पेसिफाइड इन अ प्रोग्राम। ओके स्टूडेंट्स, डेफिनेशन से भी यही जाहिर हो रहा है कि जिस ऑर्डर में हम स्टेटमेंट्स लिखते हैं उसी ऑर्डर में वो एग्जीक्यूट होती हैं, एक सीक्वेंस के साथ एग्जीक्यूट होती हैं। इसकी एक एग्जांपल ले लेते हैं। हम सपोज करते हैं कि हमारे पास दो नंबर्स हैं जो हमने यूज़र से इनपुट में लेने हैं, उसके बाद उस पर एवरेज का फॉर्मूला लगाएंगे और उसकी एवरेज निकाल के उस एवरेज को हम डिस्प्ले करवाएंगे। अब इसमें हमारे पास चार स्टेटमेंट्स हैं। सबसे पहले हम नंबर वन जो होगा यूज़र से इनपुट लेने के लिए स्टेटमेंट लिखेंगे, फिर नंबर टू होगा वो यूज़र से इनपुट लेने के लिए स्टेटमेंट लिखेंगे, उसके बाद कैलकुलेशंस होंगी या एवरेज का फॉर्मूला अप्लाई होगा, उसके बाद उसके जो रिजल्ट्स होंगे उसको हम स्क्रीन पे डिस्प्ले करवाएंगे। इसमें चार स्टेटमेंट्स हैं जो कि एक ऑर्डर में एग्जीक्यूट होती हैं। सबसे पहले नंबर वन, उसकी स्टेटमेंट जो है वो एग्जीक्यूट होगी, देन नंबर टू, उसकी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, देन जो एवरेज का फॉर्मूला है उसकी कैलकुलेशंस होंगी और उसके बाद उसके जो रिजल्ट्स आएंगे उसको स्क्रीन पे प्रिंट या डिस्प्ले करवाया जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, इसके बाद हम देखते हैं सिलेक्शन। अ सिलेक्शन स्ट्रक्चर सिलेक्ट्स अ स्टेटमेंट और सेट ऑफ स्टेटमेंट्स टू एग्जीक्यूट ऑन द बेसिस ऑफ अ कंडीशन। इन दिस स्ट्रक्चर statements or set of statements is executed when a
पर्टिकुलर कंडीशन इज ट्रू एंड इग्नोर व्हेन द कंडीशन इज फॉल्स. स्टूडेंट्स अब सिलेक्शन स्ट्रक्चर में क्या होता है कि हमारे पास जो स्टेटमेंट या सेट ऑफ स्टेटमेंट्स होता है वो किसी कंडीशन की बेस पे एग्जीक्यूट होता है. अब सिलेक्शन नाम से जाहिर हो रहा है कि हमारे पास चॉइसेस हैं. तो चॉइसेस किस बेस पे होती हैं, किसी कंडीशन की बेस पे. अगर कोई रियल लाइफ एग्जांपल ली जाए, इस अगर मैं लाहौर से कराची जाना चाहता हूँ तो या मैं ट्रेन के ज़रिए जा सकता हूँ या फिर बस से जा सकता हूँ या फिर प्लेन से जा सकता हूँ. अब इसमें क्या होता है कि मेरे पास चॉइस आ जाती है. अब चॉइस में मैं कंडीशन रखता हूँ कि अगर ट्रेन सुबह 7 बजे चलेगी तो मैं ट्रेन पे जाऊँगा, नहीं तो मैं बस पे जाऊँगा. तो स्टूडेंट्स अगर ट्रेन 7 बजे नहीं आती, लेट हो जाती है, तो मैं बस से सफ़र करता हूँ. अब इसमें एक कंडीशन थी, वो कंडीशन ये थी कि अगर ट्रेन 7 बजे आएगी तो मैं ट्रेन पे कराची जाऊँगा. अब इसमें जो सिलेक्शन हो रही है वो किसी कंडीशन की बेस पे हो रही है. इसी तरह पाइथन के अंदर हमारे पास सिलेक्शन स्ट्रक्चर होता है और हमारे पास जो कंडीशंस होती हैं वो या तो ट्रू होती हैं या फॉल्स होती हैं, और उन्हीं की बेसिस पे हम जो हमारे सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस या स्टेटमेंट्स होती हैं उनको एग्जीक्यूट करवाते हैं या उनको हम इग्नोर कर देते हैं. ओके स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं इफ स्टेटमेंट या इफ कीवर्ड क्या होता है और इसको हम पाइथन के अंदर किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं. इफ इज़ अ कीवर्ड इन पाइथन, इफ स्टेटमेंट इज अ डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट. इट इज़ यूज टू एग्जीक्यूट और स्किप अ स्टेटमेंट और सेट ऑफ स्टेटमेंट बाय चेकिंग अ कंडीशन और टेस्ट एक्सप्रेशन. पाइथन के अंदर इफ एक कीवर्ड है, इसको हम यूज़ करते हैं किसी डिसीजन या टेस्ट एक्सप्रेशन के साथ या किसी कंडीशन के साथ, और उसी बेसिस पे हम देखते हैं कि स्टेटमेंट को हमने एग्जीक्यूट करवाना है या स्किप करवाना है. हम एक एग्जांपल देखते हैं जिसमें हम वेरिएबल देते हैं, एक वेरिएबल ए और एक वेरिएबल बी. वेरिएबल ए को हम 2 असाइन करते हैं और वेरिएबल बी को हम 5 असाइन करते हैं. उसके बाद हम इफ का कीवर्ड लिखते हैं, उसके बाद हम कंडीशन लगाते हैं बी ग्रेटर देन ए, फिर कॉलन, और उसके बाद हम प्रिंट और फिर जो मैसेज प्रिंट करवाना है वो डबल कॉट्स के अंदर लिखते हैं. अब इसमें ये कंडीशन ट्रू होती है. इसके बाद जो हमने कंडीशन लगाई बी ग्रेटर देन ए, इसको हम कंडीशन भी कहते हैं और टेस्ट एक्सप्रेशन भी कहते हैं. अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो हमारे पास मैसेज डिस्प्ले होता है बी इज़ ग्रेटर देन ए, पर अगर ये फॉल्स होती है तो हमारे पास कुछ भी डिस्प्ले नहीं होता. अब हम देखते हैं कि इसका सिंटैक्स क्या है. इसको लिखने के लिए सबसे पहले हम इफ का कीवर्ड, फिर टेस्ट एक्सप्रेशन या कंडीशन, या इसको हम चेक भी कहते हैं वो, उसके बाद उसकी स्टेटमेंट, और स्टेटमेंट से पहले हम एक स्पेस देते हैं. ओके, इसमें स्टेटमेंट भी आ सकती है और मल्टीपल स्टेटमेंट्स भी हो सकती हैं.
उसके बाद हम देखते हैं इंडेंटेशन, व्हाट इज इंडेंटेशन इन पाइथन और इसका मकसद क्या होता है पाइथन के अंदर। पाइथन रिलाइज ऑन इंडेंटेशन वर्ड स्पेस एट द बिगनिंग ऑफ अ लाइन टू डिफाइन स्कोप इन द कोड। अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस ऑफन यूज कर्ली ब्रैकेट्स फॉर दिस पर्पस। ओके स्टूडेंट्स, अगर हम कोई भी स्टेटमेंट लिखने से पहले एक बार स्पेस दे देते हैं या हम स्पेस की प्रेस करते हैं तो उसको हम कहते हैं इंडेंटेशन, और पाइथन में ये स्कोप डिफाइन करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब स्कोप क्या होता है इसको हम एग्जांपल के साथ देखेंगे, और इसमें एक और लाइन है, अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस ऑफन यूज कर्ली ब्रैकेट्स फॉर दिस पर्पस। अब स्कोप डिफाइन करने के लिए जो दूसरी लैंग्वेजेस हैं जैसे C++, जावा या C#, उसमें हम क्या करते हैं कर्ली ब्रैकेट्स इस्तेमाल करते हैं स्कोप डिफाइन करने के लिए। स्टूडेंट्स, इसमें एक एग्जांपल दी है ए और उसको असाइन किया है 2, फिर एक वेरिएबल बी है उसको असाइन किया है 5, फिर हमने कंडीशन लगाई इफ बी ग्रेटर देन ए प्रिंट बी इज ग्रेटर देन ए। अब इसमें हमने प्रिंट से पहले कोई स्पेस नहीं दी, और इस सूरत में क्या होता है कि एक एरर मैसेज डिस्प्ले आता है जब हम प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं। स्टूडेंट्स, इसको हम एग्जांपल के साथ देखते हैं कि स्कोप क्या होता है और इंडेंटेशन क्या होती है। स्टूडेंट्स, हमारे पास दो वेरिएबल्स हैं num1 और num2 के नेम से, और हमने इफ का कीवर्ड लिखा और उसके बाद हमने टेस्ट एक्सप्रेशन दिया जिसमें हम num1 को कंपेयर करते हैं num2 के साथ। हमारे पास दो नंबर्स हैं, एक num1 के नाम से और एक num2 के नाम से। हम उनका आपस में कंपैरिजन करवाते हैं। अगर ये नंबर इक्वल होते हैं तो हमारे पास मैसेज डिस्प्ले होता है प्रिंट बोथ नंबर का इक्वल, और अगर ये फॉल्स होता है तो हमारे पास कुछ भी डिस्प्ले नहीं होता। इसको रन करके देखते हैं और आउटपुट देखते हैं इसकी, आउटपुट में कुछ भी डिस्प्ले नहीं हुआ। अब इन नंबर्स को इक्वल कर देते हैं, इस सूरत में हमारे पास आउटपुट में बोथ नंबर दार इक्वल मैसेज डिस्प्ले होता है। ओके स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं कि स्कोप क्या होता है। मैं एक वेरिएबल लेता हूँ ए के नेम से और उसको असाइन कर देता हूँ 5, और उसको प्रिंट करवाता हूँ स्पेस देता हूँ प्रिंट से पहले, फिर प्रिंट का कीवर्ड और फिर ए वेरिएबल प्रिंट करवाता हूँ और इसको 5 कर देता हूँ। अब ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, अभी कुछ भी डिस्प्ले नहीं हुआ जबकि मैंने यहाँ पे प्रिंट ए लिखा है। अब इसमें क्या होता है कि जब मैं इसको स्पेस दे के लिखता हूँ तो ये जो प्रिंट है ये इफ का सब पार्ट बन जाता है। मींस के अब अगर इफ की कंडीशन ट्रू होगी देन हमारा कंट्रोल यहाँ पे शिफ्ट होगा। ये एक स्टेटमेंट है या मल्टीपल स्टेटमेंट्स हैं वो तब एग्जीक्यूट होंगी जब ये कंडीशन ट्रू होगी। अब हमारा कंट्रोल ये कंडीशन चेक करता है, अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो कंट्रोल को यहाँ पे शिफ्ट करता है, ये लाइन जो है इसको प्रिंट करवाता है, और उसके बाद कंट्रोल हमारा यहाँ पे शिफ्ट हो जाता है और इसको एग्जीक्यूट करवाते हैं। अब इसको हम ट्रू करके देखते हैं, इस सूरत में हमारे पास ये मैसेज भी डिस्प्ले हो रहा है और ए की वैल्यू भी आउटपुट में डिस्प्ले हो रही है।
अगर हम इस ए को बगैर स्पेस के लिखते हैं तो देखते हैं तब क्या होता है इस कंडीशन को फॉल्स करके। इस दफा इसने 5 डिस्प्ले करवाया। जब हम स्पेस दे के लिखते हैं तब ये डिस्प्ले नहीं करवाता कंडीशन फॉल्स होने की सूरत में। अब इससे हमें पता चलता है कि ये जो प्रिंट है ये इस इफ का सब पार्ट बन जाता है, या इसकी जो बॉडी होती है अगर हम स्पेस दे के लिखते हैं तो वो इफ की बॉडी बन जाती है। ये उस बॉडी का हिस्सा है ये प्रिंट। अब हम देखते हैं एक और एग्जांपल। हम एक वेरिएबल बी जो है वो बनाते हैं और उसको वैल्यू असाइन कर देते हैं 3, और इधर हम प्रिंट करवाते हैं ए और बी दोनों को, और इस कंडीशन को हम कर देते हैं ट्रू। और हमारे पास 5 और 3 दोनों प्रिंट होता है। अब हम ये बगैर स्पेस के लिखते हैं ई और बी को और प्रिंट करवाते हैं। अभी भी ये प्रिंट हो रहा है क्योंकि ये कंडीशन ट्रू है। इसको फॉल्स करते हैं। इस दफा वो कहता है नेम बी इज नॉट डिफाइंड। अब होता क्या है, ए को तो वैल्यू असाइन कर दी लेकिन बी किसका हिस्सा है, इस इफ का। अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो हमारा कंट्रोल यहाँ पे शिफ्ट होता है और बी को वैल्यू असाइन करता है। अब हम क्या करते हैं, इसकी बॉडी से बाहर हम बी को प्रिंट करवाते हैं जबकि कंट्रोल हमारा इधर नहीं आता और इसको वैल्यू असाइन नहीं होती। अगर ये कंडीशन ट्रू होती है उस सूरत में बी को ये वैल्यू असाइन होती है और बी यहाँ पे प्रिंट होता है। अगर मैं इसको कमेंट कर देता हूँ और इस दफ़ा इसको मैं एग्जीक्यूट करता हूँ तो हमारे पास 5 डिस्प्ले हो रहा है या 5 आउटपुट में आता है। मतलब ये कि अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो बी की वैल्यू हमारे पास जो है वो आउटपुट में शो होगी, क्योंकि बी जो है वो किसका हिस्सा है, इस इफ का। और कंट्रोल जो है वो अगर ये कंडीशन ट्रू होगी इधर आएगा, उसके बाद ये प्रिंट करेगा, फिर ये प्रिंट होगा और फिर ये, और उसके बाद जो कंट्रोल है हमारा इस इफ की बॉडी से बाहर जाके इसको प्रिंट करवाएगा। ओके स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आपको इंडेंटेशन और स्कोप क्या होता है उसका पता चल गया होगा कि इस बी का स्कोप इस इफ के अंदर है। अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो बी को वैल्यू साइन होगी और हम इसको बाहर भी एक्सेस कर सकेंगे। जबकि ये ए जो है इसको हम कहते हैं ग्लोबल स्कोप और इसको हम कहते हैं लोकल स्कोप। इस ए को हम कहीं पे भी एक्सेस कर सकते हैं जबकि इस बी को हम तब तक एक्सेस नहीं कर सकते जब तक कंट्रोल जो है इस इफ के अंदर नहीं आएगा और उसको वैल्यू साइन नहीं होगी। ओके स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट देखते हैं रिलेशनल एक्सप्रेशंस। अब रिलेशनल एक्सप्रेशंस क्या होते हैं, जब दो वेरिएबल्स या दो नंबर्स का हमने कंपैरिजन करवाना हो तो हम यूज़ करते हैं रिलेशनल एक्सप्रेशंस। सबसे पहले इसमें आता है इक्वल्स। इक्वल्स में हम दो नंबर्स को आपस में ये देखने के लिए कि वो इक्वल हैं या नहीं यूज़ करते हैं। ओके
अगर ए के अंदर 5 है और बी के अंदर भी 5 पड़ा है, तो आउटपुट में हमारे पास ट्रू आता है, और अगर ए के अंदर हमारे पास कोई और वैल्यू है और बी के अंदर कोई और, तो आउटपुट में हमारे पास फॉल्स आता है। इसी तरह हमारे पास आ जाता है नॉट इक्वल। अब नॉट इक्वल क्या करता है, अगर ए के अंदर हमारे पास कोई और वैल्यू पड़ी है और बी के अंदर कोई और वैल्यू पड़ी है, मतलब दोनों के अंदर डिफरेंट वैल्यूज पड़ी हैं, तो हमारे पास आउटपुट में ट्रू आता है, और अगर सेम वैल्यूज पड़ी हैं तो सूरत में हमारे पास फॉल्स रिटर्न होता है। उसके बाद है लेस देन। अगर ए में छोटी वैल्यू पड़ी है और बी में बड़ी वैल्यू पड़ी है, उस सूरत में हमारे पास आउटपुट में ट्रू आता है। अगर ए में बड़ी वैल्यू है और बी में छोटी, तो उस सूरत में हमारे पास फॉल्स रिटर्न होता है। इसी तरीके से लेस देन और इक्वल। अगर ए में छोटी वैल्यू है या बी के इक्वल है, तो आउटपुट में हमारे पास ट्रू, और अगर ए में वैल्यू बड़ी है बी से, तो आउटपुट में हमारे पास फॉल्स आता है। इसी तरीके से ग्रेटर देन। अगर ए में बड़ी वैल्यू है और बी में छोटी, तो आउटपुट में हमारे पास ट्रू आता है, और अगर ए में वैल्यू छोटी है और बी में बड़ी है, तो हमारे पास आउटपुट में फॉल्स रिटर्न होता है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है ग्रेटर देन और इक्वल टू। ओके स्टूडेंट्स, अब जैसे हम ऊपर एग्जांपल्स देख चुके हैं, ये भी वैसे ही हैं, लेस देन और इक्वल टू जैसे हैं, उसी तरीके से ए ग्रेटर देन और बी इक्वल टू बी भी ऐसे ही है। अगर ए के अंदर वैल्यू जो है वो बी से बड़ी पड़ी है या बी के इक्वल है, तो हमारे पास क्या रिटर्न होगा, ट्रू, और अगर इसके ऑपोजिट है तो हमारे पास फॉल्स रिटर्न होगा। ओके स्टूडेंट्स, लिमिटेशन ऑफ सिंपल इफ स्टेटमेंट। ओके स्टूडेंट्स, अब प्रोग्रामिंग के अंदर हम जितने भी कीवर्ड्स यूज करते हैं या जो स्टेटमेंट्स यूज करते हैं, उनकी लिमिटेशंस होती हैं। द स्टेटमेंट और सेट ऑफ स्टेटमेंट्स इज एग्जीक्यूटेड इफ द कंडीशन इज ट्रू, बट इफ द कंडीशन इज फॉल्स देन नथिंग हैपेंस। ओके स्टूडेंट्स, अगर इफ की कंडीशन जो है, इफ के बाद जो कंडीशंस हम लिखते हैं या बनाते हैं, अगर वो ट्रू होती है, तो उस सूरत में क्या होगा, हमारे पास सेट ऑफ स्टेटमेंट्स जो हम इफ के बाद स्पेस देने के बाद लिखेंगे, वो सेट ऑफ स्टेटमेंट्स या स्टेटमेंट जो होगी वो एग्जीक्यूट होगी, और अगर ये इफ के बाद जो कंडीशन है फॉल्स हो जाती है, तो कुछ भी नहीं होगा। मतलब अगर ट्रू होने पे हमें रिजल्ट शो होते हैं, फॉल्स होने पे कुछ भी नहीं होगा। अब इसमें एक एग्जांपल है, ए इज इक्वल टू बी और बी, ए इज इक्वल टू टू और बी इज इक्वल टू फाइव। इफ बी ग्रेटर देन ए, प्रिंट बी इज ग्रेटर देन ए। अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो ये मैसेज प्रिंट होगा, और अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो आउटपुट में कुछ भी डिस्प्ले नहीं होता। इसकी एक एग्जांपल देखते हैं। अगर मेरे पास ये दो नंबर्स हैं, ओके स्टूडेंट्स, अगर मेरे पास ये दो नंबर्स हैं और इनको मैं कंपेयर करवाता हूँ आपस में, अगर ये दोनों इक्वल होंगे तो ये प्रिंट होगा, और अगर इक्वल नहीं होंगे तो प्रिंट नहीं होगा।
मीन्स कि अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो ये मैसेज प्रिंट होगा, और अगर ये फॉल्स होगी तो हमें आउटपुट में कुछ भी शो नहीं होगा। अभी ये दोनों नंबर्स सेम नहीं हैं तो इसलिए आउटपुट में कुछ भी डिस्प्ले नहीं होगा, और अगर ये नंबर सेम होते हैं तो आउटपुट में हमें जो आउटपुट है, जो मैसेज है, वो डिस्प्ले होगा। ओके स्टूडेंट, अब हम देखते हैं कि अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है उस सूरत में क्या होता है। ओके, अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है तो हमारा कंट्रोल स्टेटमेंट को स्किप करता है और इधर से जंप करके इस स्टेटमेंट पे आ जाता है और उसको डिस्प्ले करता है। ओके स्टूडेंट्स, अब इसको स्किप किया और ये वाला मैसेज जो था आई लव पाकिस्तान प्रिंट करवा दिया। अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती है तो उस सूरत में क्या होता है? सूरत में कंट्रोल हमारा इस जगह पे शिफ्ट होता है, इस मैसेज को एग्जीक्यूट करता है, ये डिस्प्ले करवाता है, और उसके बाद हमारा कंट्रोल इस बॉडी से बाहर निकल के इधर आ जाता है। ये जो मैसेज है ये ट्रू और फॉल्स दोनों की सूरत में हमारे पास डिस्प्ले होता है। अगर हमारी कंडीशन फॉल्स हो जाती है और उस सूरत में हमने कोई स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करवानी है, वो किस तरह से करवाएंगे ये हम इसको नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि हम इस चीज़ को पाइथन में कैसे हैंडल करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब देखते हैं हम इसकी एग्जांपल्स। हमारे पास एक स्टेटमेंट है राइट अ प्रोग्राम डेट इनपुट मार्क्स एंड डिस्प्लेस कॉन्ग्रेचुलेशंस यू हैव पास्ड इफ द मार्क्स आर 40 और मोर। अब हमारे पास जो स्टेटमेंट है उसमें ये कहा जाता है कि यूज़र से इनपुट में मार्क्स लो और उसको कंपेयर करो 40 के साथ। अगर मार्क्स अबव हैं 40 से या उसके इक्वल हैं तो हमारे पास मैसेज जो है वो प्रिंट हो, कॉन्ग्रेचुलेशंस यू हैव पास्ड। ओके स्टूडेंट, अब इसमें हम एक वेरिएबल बनाते हैं मार्क्स का, उसके बाद इंट, फिर इनपुट, और फिर जो मैसेज हमने इनपुट लेते हुए और अगर 39 या उससे कम नंबर्स देता है तो हमारे पास कुछ भी डिस्प्ले नहीं होगा। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं इसकी। राइट अ प्रोग्राम डेट इनपुट्स टू नंबर्स एंड फाइंड वेदर बोथ आर इक्वल। अब इसमें कहता है कि यूजर से दो नंबर्स लो और देखो उनका कंपैरिजन करवा के वो नंबर जो हैं वो इक्वल हैं या फिर नहीं। ओके स्टूडेंट्स, इसको हम इम्प्लीमेंट करके देखेंगे। सबसे पहले हमने एक नंबर लिया नम वन के नाम से
और एक नंबर लिया नम टू के नाम से। उसके बाद इफ की कंडीशन, उसके बाद हमने आपस में इनको कंपेयर करवाया। कंपैरिजन ऑपरेटर के साथ और उसके बाद प्रिंट, और उसके बाद मैसेज को प्रिंट करवा दिया। अब इसको देखते हैं हम इंप्लीमेंट करके। ओके स्टूडेंट्स, अब हम वैल्यू देते हैं या इसको नंबर देते हैं। नंबर इक्वल नहीं थे इसलिए कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ। हम दोबारा से इसको रन करते हैं और दोबारा से इसको नंबर असाइन करते हैं। दोनों नंबर सेम थे इसलिए हमारे पास मैसेज प्रिंट हो गया, बोथ नंबर आर इक्वल। ओके स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आपको जो चीज़ें आज हमने पढ़ी वो समझ आ गई होंगी। सबसे पहले हमने पढ़ा कि कंट्रोल स्ट्रक्चर क्या होता है और उसकी टाइप्स क्या होती हैं। उसके बाद हमने सीक्वेंस और सिलेक्शन में डिफरेंस देखा। उसके बाद हमने इफ स्टेटमेंट क्या होती है उसको देखा। उसके बाद हमने उसका सिंटैक्स क्या होता है उसको देखा। उसके बाद रिलेशनल ऑपरेटर्स क्या होते हैं उनको देखा। उसके बाद हमने देखा कि इफ़ की लिमिटेशंस क्या होती हैं, और उसके बाद हमने उसकी एग्जांपल्स को डिस्कस किया और इम्प्लीमेंट करके देखा।